महादेश या महाद्वीप किसे कहते हैं और साथ ही साथ महासागर किसे कहते हैं, कितनी संख्या है, क्या अंतर है, पृथ्वी पर इसका अवस्थिति कहाँ है, किसे क्या कहते हैं, मतलब पूरा एकदम बेसिक आपको बताया जाएगा ताकि आपका भूगोल जो पढ़ने का रुचि है ना वो बढ़ जाए और पूरा एकदम आप इंटरेस्ट के साथ पढ़े और आपको समझ में भी आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते आइए। तो इस वीडियो में महादेश और महासागर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महादेश क्या है। तो महादेश को ही हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। महादेश या महाद्वीप कहिए, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो महादेश या महाद्वीप, इसका इंग्लिश होता है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले इसके हम परिभाषा को देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए परिभाषा तो आपको से कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जान लीजिए एक लाइन का है, समझ लीजिए कि कहीं आप बता भी सके। महादेश का होता है पृथ्वी पर भूभाग के, हम सब बताएंगे परिभाषा लिखने के बाद, हड़बड़ाइए मत, भूभाग के सबसे बड़े इकाई को, सबसे बड़े इकाई को क्या कहते हैं, महादेश या महाद्वीप कहते हैं। आइए अब इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी पर, तो यहां पे पृथ्वी बनाया गया है। एक कच्चा फोटो देखिए, कुछ अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन आपको यहाँ पे फोटो आएगा, आप उसको ओरिजिनल में देख लीजिएगा एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए, आप समझ जाइए मेरे लिए बहुत है। तो आप समझाने के लिए यहाँ पे पृथ्वी बना दिया गया। तो पृथ्वी पर भूभाग के सबसे बड़ी इकाई को हम महादेश कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो बनाया गया है ना, ये भू है यानी कि जमीन है, और बाकी जो ये खाली है कहिएगा वो का है, तब वो पानी है, वो भी बताया जाएगा, वो जल है। तो ये जो बॉक्स, ये जो घेरा बनाया गया है, ये भू है। भू मतलब क्या, जमीन है, धरती है। तो पृथ्वी पर भूभाग के सबसे बड़े इकाई को हम क्या कहते हैं, महादेश कहते हैं। अब देखने में लग रहा है छोटा, छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो यही लिखा गया है कि सबसे बड़े इकाई को हम क्या कहेंगे, महादेश कहेंगे। अब इनकी संख्या देखिए, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, सात है, सात बनाई गई है। अब सातों के पहले नाम देखेंगे तभी तो जानेंगे कि उसका क्या काम क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो है महादेश वो है एशिया, एशिया महादेश। उसके बाद यूरोप, देखिए बाद या पहले नहीं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पहले बाद में कोई क्रम थोड़ी है, एबीसीडी थोड़ी है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन एक सिलेवार ढंग से बोला जाता है तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ताकि गलती ना हो। उसके बाद है अफ्रीका, हम जल्दी जल्दी पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, देखिए ये रहे पूरा महादेश के नाम, इतना ही नाम है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब इसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं एक दो जल्दी से। तो एशिया जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, बड़ा हम केवल लिख रहे हैं, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्लियर। अब देखिए अफ्रीका के बारे में है कि इसे हम अंध महादेश, अंध महादेश या काला महादेश कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा काला है, लोग सबसे ज्यादा काले हैं और ये अंध है। और हाँ, लोगों की जो शुरुआत है, हम लोग इंसानों की जो शुरुआत है, मतलब सर्वप्रथम जो मानव पैदा हुए थे वो अफ्रीका से ही उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे, अब देखिए इसकी अवस्थिति को हम बताते हैं कि कौन सा महादेश कहाँ पे है। तो ये हो गई पृथ्वी। अब देखिए ये जो है, यहां से ये जो भाग घेरा गया है कच्चा जो हम बनाए हैं, तो ये है एशिया, क्या है, एशिया। और साथ ही साथ ये जो इसमें सट गया है,
यूरोप का भी कुछ भाग। आपको ओरिजिनल फोटो दिखाया जाएगा, पहले आप समझ लीजिए एशिया और यूरोप। अब देखिए उसके बाद है, ये है अफ्रीका, अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका। अब देखिए कि ये जो पृथ्वी है तो किसी भी मानचित्र या किसी भी नक्शे में सबसे ऊपर जो है नॉर्थ माना जाता है, यानी कि उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये ईस्ट पूर्व, है ना। और इस प्रकार से साइन भी रहता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो बता रहा है ना नेविगेशन, ये उत्तर है ऊपर। तो ये अगर केवल मालूम चल जाए तो आपको तो साउथ ईस्ट वेस्ट सब पता चल जाएगा, तो कहीं कहीं डायरेक्ट ये लिखा रहता है। तो ये हो गया, अब आप समझ गए हैं कि एशिया कहाँ पे, यूरोप कहाँ पे, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ पे देखिए तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसको हम लोग ना ये जो बिंदु है, ये जो इसको पोल भी बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ पोल और ये नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग साउथ पोल। तो हम देख सकते हैं कि ये जो अंटार्कटिका महादेश है ये साउथ में है, दक्षिणी में है, आगे समझ में, और बाकी सब बीच में है। और साथ ही साथ ये जो जगह जो छेका गया है यह महादेश के द्वारा, तो ये टोटल जो छेका गया है ना वो पृथ्वी पर 29% है, तो बाकी का जो 71% है ये जो खाली है, ये खाली नहीं, ये क्या, आप भी पता, आपको भी पता है कि ये जल है, तो जल छेका हुआ है। तो हम बताते हैं कि अब महासागर क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि महासागर किसे कहते हैं, क्योंकि महासागर पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि महादेश और महासागर में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके नाम जो होते हैं ना बहुत मैच करते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वीडियो में आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं महासागर। तो महासागर जो है, महासागर का एक ही नाम है, मतलब महासागर को हम लोग महासागर ही बोलेंगे, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ओशन, ठीक है, ओशियन। तो महासागर, अब देखिए सबसे पहले कि महासागर होता क्या, देखिए परिभाषा जरूरी नहीं है लेकिन जान लेना जरूरी है, आप याद नहीं कीजिएगा लेकिन ऐसा बताया जाएगा कि आप देखते आप समझ जाइएगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कोई चीज आप समझने की कोशिश करें वो खुद ब खुद आपको याद रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो महासागर का हम लोग देखते हैं जल मंडल का, हम पहले लिख लेते हैं ये परिभाषा, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। जल मंडल का वह सबसे बड़ा भाग, सबसे विशाल भाग, जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, उसको क्या बोलेंगे महासागर। अब कहेगा अंत माने कहीं फैलते जा रहा है, नहीं, मतलब ये जो है ना ये बहुत बड़ा है और जो कि एक निश्चित विभाजन इसका नहीं किया गया, मतलब सब बड़ा है और इसका क्षेत्र जो है विस्तृत है, इसलिए इसको बोला गया है। तो ये अब देखिए कि महासागर जो है ये होते कितने हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो है 5, 5 संख्या। तो सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, तभी तो हम बताएंगे कि इसका काम क्या है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, देखिए तो महासागर को ओशन बोलते हैं, तो यहां पे डायरेक्ट हम प्रशांत का लिखते हैं, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। उसके बाद है हिंद महासागर, हम पहले लिख लेते हैं, सब बताएंगे, चिंता मत कीजिए। हिंद महासागर, हिंद महासागर, इसको बोलेंगे हम इंडियन ओशन। उसके बाद है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक। उसके बाद है अटलांटिक, अटलांटिक, अब ये देखिए ये क्या है, अब ये है अंटार्कटिक। वाह भाई क्या बात है, सबका नाम सेम लग रहा है, बताइए कैसे याद करेंगे, हम आपको सब बताएंगे। देखिए अंटार्कटिक को ही हम लोग बोलते हैं दक्षिणी महा, कहीं कहीं लिखा होता है दक्षिणी महासागर, क्यों बोला जाता है हम बताते हैं, दक्षिणी महासागर। तो इसका इंग्लिश है अंटार्कटिक, या इसको साउथ, साउदर्न, या साउदर्न हम लोग ओशन बोलेंगे, ठीक है, अंटार्कटिक। अब देखिए सबसे पहले प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा, ये याद हो गया। तो सबसे छोटा कौन है भाई, तो ये है सबसे छोटा, दो नंबर मिल गया। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर,
आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक कहीं कहीं दक्षिण महासागर या दक्षिणी महासागर लिखा होता है। देखिए इसके नाम में कंफ्यूजन मत कीजिए, है ना, आप एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो लेकिन यह है कि सबके लास्ट में क्या है, टिक है, टिक लगा हुआ है ना। अब इसके देखते हैं कि इसकी अवस्थिति कहाँ है मैप में, इसको कहाँ पे दर्शाया गया है, कहाँ पे है एक्चुअली। सबसे पहला देखिए प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर जो है ना ये यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, देखिए आपको ओरिजिनल फोटो में दिखा दिया जाएगा, समझ पहले समझ लीजिए, ये जो हम ईस्ट मिटा देते हैं ये पैसिफिक ओशियन है, और ये जो पीछे घूम के और यहां तक छू दिया है, बड़ा है तो कुछ ज्यादा जगह छेकेगा, तो यहां तक क्या है इसका विस्तृत, प्रशांत महासागर। अब देखिए प्रशांत महासागर के बाद है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर जो है ना ये इंडियन ओशियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भारत के नीचे है ना है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इसलिए इसका नाम हो गया इंडियन ओशन। उसके बाद है आर्कटिक, आर्कटिक जो है ये यहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल साउथ पोल हम बता दिए कि ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल, तो यहाँ पे है तो नॉर्थ पोल में, तो ये क्या है आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक महादेश सॉरी महासागर। उसके बाद है अटलांटिक, अटलांटिक का जो अवस्थिति है ना वो यहाँ पे है, यहाँ पे फैला हुआ है अटलांटिक। अब क्या है बच गया, अब अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक देखिए महादेश में अंटार्कटिका आया था, और वो कहा था साउथ में, देखिए हम बताया ना अंटार्कटिका, और ये भी अंटार्कटिक, अंटार्कटिक या अंटार्कटिक, या इसको दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं, तो ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे महासागर भी है महाद्वीप भी है, मतलब दोनों है, क्योंकि अब बर्फ बहुत ज्यादा रहता है तो कभी महासागर बन गया कभी जमीन भी बन गया चलने के लिए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको साउदर्न महासागर दक्षिणी महासागर बोलिए या अंटार्कटिक या महादेश महाद्वीप दोनों है, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, बाकी तो हम सब लिख दिए हैं बता दिए हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, अब कौन बच गया, सब कंप्लीट हो गया, तो देखिए कौन सा, एक ये दो, दो नहीं ये एक ही है, एक दो, उसके बाद ये तीन, उसके बाद ये चार, और ये एक पांच, एक एक दो तीन चार और पांच, पांचों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये थे महादेश और महासागर में अंतर, उनकी संख्या, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में कुछ नहीं भी आया तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, कभी भी आप किसी भी वीडियो में कर सकते हैं। और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसा ही बेसिक वीडियो बना दिया गया है, मैथ्स का है, जीके का, आप जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।